नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जो कि बिहार इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई हुई थी ITI कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके रिगार्डिंग एक नोटिस आया हुआ था, क्योंकि SC VT वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है कि उन्हें आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे विजिट किया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही आप विजिट करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2/36/2023 ITI टेट इंस्ट्रक्टर फॉर द वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी नोटिस है यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे व्यू नोटिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका इंटरफेस खुल के आएगा वो नोटिस मैंने डाउनलोड कर ली, उस नोटिस को मैं देखता हूँ कि क्या नोटिस है। ये देखिए नोटिस जो है 5/9/2023 का दिया गया है, यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद पत्रांक संख्या भी दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग आवश्यक सूचना के रूप में। उसमें देखिए लिखा गया है विज्ञापन संख्या 7/23/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों में श्रम संसाधन विभाग विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन 7/36/2023 के अंतर्गत 4/3/8/2023 तक आवेदन प्राप्त किया गया था। इसके लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स कह रहे थे हो सकता है कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाएगी, तो ऐसा किसी प्रकार से होने वाला नहीं है, पेपर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद किया गया है कि अधियाची विभाग के पत्रांक 3133 दिनांक 5/9/2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक NCVT के साथ साथ राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक SC VT योग्यताधारी अभ्यर्थियों के मान्य किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि NCVT कैंडिडेट्स अगर एलिजिबल है तो SC VT कैंडिडेट्स को भी आप एलिजिबल करिए। फिर उसके बाद तदनुसार राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक SC VT योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मान्य करते हुए वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक SC VT आवेदन कर चुके हैं वे परीक्षा देने के लिए योग्य होंगे। जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने SC VT से ITI किया हुआ है उन्होंने इसमें फॉर्म को फिल किया है, तो अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है तो वो पेपर देंगे। उसके बाद कह रहा है आयोग द्वारा पुनः पोर्टल खोलकर छूटे हुए राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक SC VT योग्यताधारी आवेदन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स लेफ्ट आउट रह गए हैं, माने जितने भी कैंडिडेट बच गए हैं, उन लोगों के लिए पोर्टल रीओपन किया जाएगा। रीओपन करने के बाद उनका पेपर फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही इसके लिए अलग से परीक्षा हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित परीक्षा के उपरांत नियमानुसार व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी मेधा सूची तैयार की जाएगी। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर रहेगा वो फॉलोअप किया जाएगा। उक्त से संबंधित आवश्यक सूचना आदि आयोग की वेबसाइट www.btsc.bhi.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग के वेबसाइट पर सतत अनुश्रवण करते रहेंगे। तो ये नोटिस आपका पब्लिश हो चुका है 5/9/2023 का लेटेस्ट अभी नोटिस आया हुआ है। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को देनी थी। जितने भी कैंडिडेट्स का कुछ मेल मैसेज आ रहा था मेरे पास कि कहीं पेपर कैंसिल तो नहीं किया जाएगा कोर्ट केस के मैटर की वजह से, तो ऐसा किसी प्रकार में होने वाला नहीं है कि किसी भी प्रकार से वैकेंसी को या एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। जितने भी लेफ्ट आउट कैंडिडेट हैं SC VT कैंडिडेट्स के, उनके लिए भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। आपका भी आवेदन होगा और आपकी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।